भाई ये स्त्री उसकी कैलिब्रेशन है, ओमेगा कंपनी का मीटर है, उसकी कैलिब्रेशन है। उसकी कैलिब्रेशन पहले दो टुकड़ों में होती है, पहले आपकी होगी उसकी ग्रामेज की सेटिंग, यूनिट और कॉल का बटन दबा के आपने खोलना है। ठीक है, फिर आपने ये टैग दबाना है। अब ये आपने यहाँ पे ग्रामेज भी यहाँ पे सेट होगा और आपका वजन भी यहाँ सेट होगा। हमने इसको रखना है 350 ग्राम 10 ग्राम पे, तो डेसिमल पॉइंट इसको हमने 2 पे ही रखना है। ठीक है, वो बड़ा कांटा है। ठीक है, इससे जो है आपका नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो टेयर से वैल्यू अप होगी। अगर वाला आपने 300 रखना है, 200 रखना है, हमने फिलहाल उसको 350 ही रखना है। फिर पीस से नेक्स्ट होगा। अब आपने अगर वैल्यू 300 रखनी है तो इससे आप चेंज कर सकते हैं, हमने 350 ही रखना है। ठीक है, इससे जो है आपकी वैल्यू आगे बढ़ेगी और इससे जो है आपकी ये जो है वैल्यू आप होगी इससे और इससे नेक्स्ट होगा। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है और उसको लॉक करने के लिए आपने यूनिट दबाना है। अब ये आपकी एक कैलिब्रेशन उसमें हो गई इससे। अब दूसरी कैलिब्रेशन होगी, वो किस तरह होगी, फिर आप बट अंदर से इसको स्विच को ऑफ करें, इसके कॉल को दबा के रखें और फिर खोलें। अब जो है आपने ऐड का बटन दबाना है। ठीक है, ऐड का बटन दबाना है और फिर इसी तरीके से आपने फिर इससे नेक्स्ट करना है और इससे जो है आपने वैल्यू चेंज करनी है, 0 करना है इसको और फिर पीसेस से आपने इसको आगे करना है, फिर आपने टेयर करना है इसको। नहीं, आपने पहले इसको आगे करना है, यहाँ पे 1 लिखा है, पीसेस से आगे करना है इससे टेयर से, फिर आपने वैल्यू चेंज इसके आगे पीछे करना है। फिर पीसेस से आपने आगे लेके जाना, फिर टेयर से इसकी वैल्यू चेंज करनी है, फिर पीसेस से आगे लेके जाना, फिर से वैल्यू चेंज करनी। उसके बाद आखिर में आपने यूनिट का बटा रखो भाई इस पे 10 किलो बटा रखने के बाद यानी लाइट बंद हो जाएगी। फिर आपने आखिर में जो है यूनिट का बटन लगाना। अब ये कैलिब्रेशन हो गई, तो आप लगा के बताओ। ठीक है, वेट बढ़ा, ये 10 ग्राम से 350 रुपये कैलिब्रेशन हो गई।